एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ नो फायर रेसिपी, यानी जिसमें कुकिंग शुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो गेस कीजिए व्हाट? यस, इट इज रायता। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ फ्रूट रायता, वेरी इजी एंड वेरी क्विक रेसिपी। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे बनाने के लिए चलते हैं किचन की तरफ। फ्रूट रायता बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ्रेश एंड थिक बाउल दही का, कुछ पीसेस हैं बादाम के और 4 से 5 पीस हैं खजूर के, 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी और कुछ पीसेस लिए हैं मैंने ग्रीन टूटी फ्रूटी के, 1 सेब और 1 अनार। सबसे पहले हम सेब को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, अनार को भी छीलकर हम उसके दाने निकाल लेंगे, बादाम को हम लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे और खजूर का बीज निकालकर भी हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अनार के दाने भी निकाल लिए हैं, सेब के छोटे पीसेस कट हो चुके हैं, बादाम भी लंबा लंबा कट चुका है और ये खजूर देखिए, इसको भी मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने एक स्ट्रेनर लगा लिया है। अब मैं इस दही को इस स्ट्रेनर में डाल दूंगी और विस्कर की सहायता से हम अच्छे से जो है इस दही को इसमें विस्क करेंगे और इस तरह से दबाते हुए पूरे स्ट्रेनर से दही को निकाल देंगे। इसमें हमें ये फायदा होगा कि हमें एक स्मूथ और थिक दही, जिसमें कोई भी लंप नहीं होगा, ऐसा दही हमें मिल जाएगा, क्योंकि फ्रूट रायता के लिए हमें इसी प्रकार का दही चाहिए होता है, जो बिल्कुल स्मूथ हो, एकदम क्रीमी हो, इस तरह का दही हमें चाहिए होता है। तो स्ट्रेनर से ही वो हमें अच्छे से मिल सकता है। तो लीजिए, एकदम स्मूथ और लंप फ्री दही हमें मिल गया है, जैसा कि हमें फ्रूट रायता के लिए चाहिए होता है। स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने का यही फायदा होता है कि हमें क्रीमी टेक्सचर का दही मिल जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी और बहुत ही थोड़ा सा, लगभग 2 चुटकी के आसपास काला नमक, उतना ही मैं ऐड करूंगी इसमें पिसी हुई काली मिर्च। फ्रूट रायता में ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत नहीं होती, ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये लगभग मीठा ही पसंद किया जाता है। बहुत ही कम सामान से ये तैयार हो जाता है। तो चलिए, विस्क का काम खत्म हुआ है तो इसे हटाते हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेब, थोड़े दाने अनार के, थोड़े मैंने बचाए हैं गार्निश के लिए, थोड़े से खजूर और थोड़ा बादाम और कुछ पीसेस ग्रीन चेरी के, थोड़े मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए। तो चलिए अच्छे से सबको मिला लेते हैं। मैंने इस फ्रूट रायते में 2 ही फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रूट्स को कम या ज्यादा या और वैरायटी भी बढ़ा सकते हैं, जैसे पपाया, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कुछ भी आप अपनी इच्छा से ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा ये रायता अब तैयार हो गया है। देखिए कितना ही बढ़िया ये दिख रहा है और लजीज भी लग रहा है। तो चलते हैं इसको डिश आउट करने के लिए। तो चलिए टेस्ट करते हैं इस क्रीमी क्रीमी रायते को। बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये, बहुत ही स्वादिष्ट है ये रायता। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं इस रेसिपी को, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, फिर मिलते हैं।